मान्य रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जब ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने बताया जैन धर्म की महिमा के बारे में। उन्होंने बताया कि क्यों जैन धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है। आप भी जरूर सुने और नमोकार चैनल का ये कार्य आपको अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। जैन धर्म के बारे में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि यह संस्कृत के जिन धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे ही हम जैन कहते हैं। यहां आत्मा की बात की जाती है, परमात्मा की बात की जाती है। मैं जानता हूं इस पर बहुत विस्तार पूर्वक मैं बोल सकता हूं, लेकिन यहां पर इस समय बोलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आत्मा कहां है, उसका क्या रंग है, क्या रूप है, क्या स्वरूप है। लेकिन इस पर बहुत विस्तार में चर्चा करते हुए न करते हुए इतना ही मैं कहूंगा कि जब कोई मां अपने छोटे नन्हे मुन्ने साल डेढ़ साल के बच्चे को छोड़कर या 6 महीने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर कुछ समय के लिए घर के बाहर चली जाती है और मां जब 4-6 दिनों के बाद घर वापस लौटती है और बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ मां मां मम्मी मम्मी कहकर जब मां की ओर दौड़ता है तो मां जिस समय बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है तो उस समय जिस सुख की प्राप्ति होती है मां को, वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वह आत्मा का सुख होता है। इसे ही हम आत्मीय सुख कहते हैं। और जैन धर्म सचमुच इसी, हर व्यक्ति इस आत्मीय सुख को अपने जीवन में प्राप्त करे। और आत्मीय सुख व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जबकि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाए, तभी प्राप्त कर सकता है। हम लोग तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जैसा मुनि जी ने कहा कि राजनीति और धर्मनीति ये दोनों साथ चलती हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत की विडंबना यह रही है कि राजनीति या शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। और मैं समझता हूं कि जैन धर्म की प्रेरणा से हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि आज यह राजनीति शब्द जो अपना धर्म अपना अर्थ और भाव खो चुका है उसे हम भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करें। क्योंकि राजनीति यह शब्द ही 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति इन 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। और नीति यह शब्द संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ले जाना। किस ओर ले जाना? सनमार्ग की ओर ले जाना। किस ओर ले जाना? विराट की ओर ले जाना। किस ओर ले जाना? परमात्मा की ओर ले जाना, जिसका अर्थ होता है। तो ऐसी राज्य व्यवस्था जो समाज को सनमार्ग की ओर ले जाने का काम करे उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना है कि राजनीति शब्द आज अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। आइए भगवान महावीर के आशीर्वाद से, भगवान भरत के आशीर्वाद से हम लोग यह संकल्प लें, भारत की राजनीति जो अपना अर्थ अपना भाव खो चुकी है उसे पुनः हम भारत की राजनीति में स्थापित करें।